रामपुर गांव में पंडित शिव शास्त्री रहते थे। पंडित जी गांव के मंदिर में ही पुरोहित का काम करते थे। मंदिर की देखरेख करना, भगवान की सेवा करना और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद देना, ये सब उनकी दिनचर्या का भाग था। इस सब के साथ ही पंडित जी मंदिर में लोगों को पाप पुण्य और सत्कर्म की कहानियां भी सुनाया करते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो कुछ सात्विक खाने को मिले उसका भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। यही भगवान को प्रसन्न करने के रास्ते हैं। गांव के लोगों को ये बातें सिखाने के साथ साथ पंडित जी स्वयं भी इनका पालन करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। पूरा गांव जानता था कि पंडित शिव शास्त्री हमेशा सच ही बोलते हैं। सुबह शाम गाँव के लोग अपने अपने घरों से भगवान के लिए भोग लाकर पंडित जी को देते थे। पंडित जी भगवान को भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद देते थे। उसी गांव में सत्या नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता था। बारिश ना होने के कारण इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। सत्या गरीब तो था ही और इस बार फसल अच्छी ना होने के कारण तंगी और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने की नौबत आ गई थी। घर में सत्या की एक बेटी थी। भूख की वजह से रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। गांव में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अपनी बेटी को भूख से बिलखते हुए देखकर वह अपनी पत्नी मुक्ति से बोला, मुझसे भूख से रोती हुई अपनी बेटी को अब और नहीं देखा जा रहा। कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुक्ति हैरान होकर बोली, क्या करना पड़ेगा? आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? भगवान को भोग लगाने के समय जब मंदिर में सब आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे होंगे, तब मैं सारा भोग चुरा लाऊंगा और अपनी बेटी को खिलाऊंगा। आप चोरी करेंगे, वो भी भगवान के भोग की। ये तो महापाप है। अब ये पाप हो या पुण्य, मैं अपनी बेटी को भूख से रोते हुए नहीं देख सकता। एक बार और सोच लीजिए, सारे गाँव वालों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मुझे बदनामी की नहीं, अपनी बेटी की भूख की चिंता है बस। मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा। मैंने सोच लिया है, मैं मंदिर से भोग ले आऊंगा। उसी शाम को सभी गांव वाले अपने घरों से लाए हुए भोग पंडित जी को देने के बाद पंडित जी के साथ ही जब सब प्रार्थना कर रहे थे, तब सत्या बिना कोई आहट किए दबे पांव मंदिर से भोग चुरा लाया। मंदिर से लाया हुआ भोग सत्या ने अपनी बेटी को खिला दिया। वह हर रोज यही करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को सत्या की इस हरकत पर शक होने लगा, क्योंकि जब गांव वाले भगवान को भोग लगाने के समय प्रार्थना करने के लिए मंदिर में खड़े होते, तब सत्या भी उनके साथ ही खड़ा होता था। लेकिन प्रार्थना करने के बाद जब सभी अपनी आंखें खोलते, तब ना तो मंदिर में सत्या होता और ना ही भगवान के लिए रखा भोग। आखिरकार वही हुआ जिसका मुक्ति को डर था। गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। सबको पता चल गया कि सत्या मंदिर से भोग चुरा कर अपने घर ले जाता है। ये बात पूरे गाँव में फैल गई तो गांव वाले पंडित शिव शास्त्री के पास आए और उन्हें बताया कि भगवान को चढ़े हुए भोग की चोरी करने वाला कोई और नहीं, सत्या ही है। सभी गांव वालों ने पंडित जी से पंचायत बुलाकर सत्या की शिकायत करने को कहा। गांव वाले बोले, आखिरकार उसने भोग चुराने का महापाप किया है, भगवान का भी मान नहीं रखा। आप इस मंदिर के पुरोहित हैं, आपको ही ये काम करना पड़ेगा। आपकी गवाही से ही सत्या को उसके किए का दंड मिल सकता है। पंडित जी बोले, ऐसा पाप करने वाले को दंड जरूर मिलना चाहिए। एक तो चोरी करना पाप है और मंदिर से चोरी तो महापाप है। एक दिन पंडित जी ने मंदिर से सत्या को भोग चुराते हुए देख लिया। उसी दिन गांव वालों और पंडित जी की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। अपराधी के रूप में सत्या को सबके सामने खड़ा किया गया। पंचों ने सत्या से पूछा, क्यों सत्या, सच बताओ, क्या तुम मंदिर से भोग चुरा कर अपने घर ले जाते हो? नहीं पंच जी, मैं भोग की चोरी नहीं करता हूँ। तुम्हारी फसल तो इस बार हुई ही नहीं और तुम कोई दूसरा काम भी नहीं करते हो, तो अपनी पत्नी और बेटी को क्या खिलाते हो? उनके लिए खाना कहाँ से लाते हो? जी वो सब तो भगवान की ही दया है, बस जैसे तैसे हो रहा है, उनके अलावा है ही कौन।
मेरी मदद करने वाला भला। पंचों ने अलग अलग तरीकों से सत्या से सच बुलवाने की कोशिश की, लेकिन सत्या अपने ही उत्तर पर अड़ा रहा कि उसने चोरी नहीं की। तब पंचों ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपको क्या लगता है, सत्या भोग की चोरी करता है या नहीं? पंडित जी ने सत्या की ओर देखा तो सत्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। पंडित जी बोले, पंचो मुझसे ही भूल हो गई है, मैं ही भोग रखकर प्रार्थना करने में इतना मग्न हो जाता हूँ कि बंदरों से भोग की रखवाली करना भूल जाता हूँ। आप सब तो जानते ही हैं मंदिर के पास कितने बंदर हैं, बेचारे भूखे होते होंगे तो भोग देखकर उठा ले जाते होंगे। सत्या निर्दोष है, वो भोग नहीं चुराता है। ये सुनकर गांव वाले हैरान थे। पंडित जी की ये बात सुनकर पंचों ने सत्या को छोड़ दिया। सत्या वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ गांव वाले पंडित जी के पास आकर बोले, पंडित जी आप पुरोहित होकर झूठ बोलते हैं और पाप का पक्ष लेते हैं। सब जानते हैं कि भोग की चोरी सत्या ही करता है, फिर भी आपने झूठ बोलकर उसे बचा लिया। इसके लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पुजारी होकर आप अधर्म का साथ देते हैं। पंडित जी बोले, जब मैंने सत्या की तरफ देखा था तो उसने अपनी नजरें झुका ली थी। उसकी आंखों में मैंने उसकी पीड़ा अनुभव की थी। उसे विवश होकर ही चोरी करनी पड़ी। अगर मैं सच बोल देता तो सत्या को सजा मिल जाती, फिर उसकी पत्नी और बेटी का क्या होता जिनके लिए उसने चोरी की थी। सत्या की मजबूरी समझकर ही मैंने झूठ बोलकर सत्या और उसके परिवार को बचा लिया। पंडित जी और गांव वालों में ये बातें हो ही रही थी कि तभी सत्या ने वहां आकर पंडित जी से माफ़ी मांगी। वह बोला, मैं अपनी बेटी को भूख से रोते हुए नहीं देख पाया और ये पाप कर बैठा। जब आपने दया करके मुझे बचा लिया तो मुझे अपने पाप पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अब मैं ये पाप दोबारा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है, यही सत्कर्म है। पंडित जी ने सत्या को प्रसाद खाने को दिया। पंडित जी और सभी गांव वालों ने मिलकर सत्या की तब तक मदद की जब तक उसकी फसल दोबारा तैयार नहीं हो गई। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।